नमस्कार, न्यूज वर्ल्ड इंडिया देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सलोनी शर्मा। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में बुधवार को हुए सेना के आतंकवादियों से मुठभेड़ में 3 अफसर शहीद हो गए। इन अफसरों में सेना के एक कर्नल, एक मेजर और जम्मू कश्मीर पुलिस के DSP का नाम शामिल है। दरअसल सुरक्षा बलों को मुखबिर से कोकेरनाग इलाके में आतंकवादियों के छुपे होने की सूचना मिली थी, जिसको लेकर एक टीम कोकेरनाग इलाके में घेराबंदी कर आगे बढ़ रही थी। जैसे ही टीम ऊंचाई वाली जगह पर पहुंची, घात लगाए आतंकवादियों ने गोलीबारी शुरू कर दी, जिसके बाद टीम ने भी जवाबी कार्रवाई की। दोनों तरफ ताबातोड़ फायरिंग में सेना के राष्ट्रीय राइफल्स यूनिट के कमांडिंग ऑफिसर कर्नल मनप्रीत सिंह को गोली लगी, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। वहीं एक कंपनी कमांडर मेजर आशीष धौनचक और एक जम्मू कश्मीर पुलिस में DSP हुमायूं भट्ट गोली लगने से घायल हो गए, जिन्हें एयरलिफ्ट कर हवाई मार्ग से श्रीनगर के एक अस्पताल ले जाया गया, जहां उनकी मौत हो गई। इस हमले की जिम्मेदारी आतंकवादी लश्कर के प्रॉक्सी द रेजिडेंस फ्रंट यानी TRF ने ली है। TRF को पाकिस्तान स्थित लश्कर ए तैयबा से जुड़ा आतंकी संगठन माना जाता है। इस आतंकी हमले में कोकेरनाग के ही उग्रवादी उजैर खान का नाम सामने आया है। बता दें कि उजैर अनंतनाग में एकमात्र एक्टिव आतंकवादी है। इस पूरे ऑपरेशन को कोऑर्डिनेट करने वाले कर्नल मनप्रीत सिंह को साल 2021 में वीरता के लिए सेना पदक से सम्मानित किया गया था। मनप्रीत का परिवार पंचकुला के सेक्टर 26 में रहता है। कर्नल सिंह के परिवार में उनकी पत्नी, एक 6 साल का बेटा और 2 साल की बेटी है। कर्नल सिंह की पत्नी स्कूल में टीचर है। वहीं मेजर आशीष धौनचक हरियाणा के रहने वाले हैं। उनका परिवार पानीपत में रहता है। आशीष की एक 2 साल की बेटी है। साथ ही 3 बहनों में आशीष इकलौते भाई थे। 2 साल पहले आशीष की पोस्टिंग मेरठ से जम्मू हुई थी। वहीं तीसरे अफसर हुमायूं भट्ट जम्मू कश्मीर के DSP पुलवामा के रहने वाले हैं, लेकिन काफ़ी समय से उनका परिवार बडगाम के हुमहामा में रह रहा था। हुमायूं 2019 बैच के अधिकारी थे। उनकी 1 साल पहले ही शादी हुई थी। हुमायूं की 2 महीने की बेटी है। उनके पिता गुलाम हसन भट्ट जम्मू कश्मीर में IG के पद पर रह चुके हैं। हुमायूं भट्ट को बुधवार को शाम श्रीनगर के जिला पुलिस लाइन में पूरे सम्मान के साथ आखिरी विदाई दी गई। तो फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ।